हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विनवर्ड के अंदर पैराग्राफ ग्रुप। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फॉन्ट ग्रुप, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो जो ग्रुप है और ग्रुप कमांड, तो दोनों एक ही है, ऐसा अलग अलग मत समझना, ठीक है? क्योंकि ग्रुप्स होते हैं तो उनको ग्रुप्स भी कहते हैं, और कुछ लोग कमांड भी कहते हैं, जैसे कि पैराग्राफ कमांड, फॉन्ट कमांड। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली अच्छे से हम पैराग्राफ ग्रुप देखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे क्या है आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिले। तो वीडियो को स्किप मत करना, जिससे क्या है कोई भी टॉपिक आपका छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन पर विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर विनवर्ड ओपन करनी है। विनवर्ड मैंने से पहले से ही ओपन कर रखा है। तो आप लोगों के लिए कुछ मैंने यहाँ पर एडवांस बेसिक की लाइन टाइप कर रखी है, और कुछ कोर्सेज के नाम टाइप कर रखे हैं, जिस पे क्या है आज हम इस पर ही प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं सारे टूल्स को, और जिससे क्या आपको एक एक टूल्स अच्छे से क्लियर हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप कमांड। तो ये जो पैराग्राफ ग्रुप कमांड है, ये आपको आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे क्या है वीडियो आपको प्रॉपर मिले। चलिए देखते हैं आगे का। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा बुलेट्स। तो जो हमारी ये लिस्ट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने लिस्ट बना रखी है, बेसिक हो गया, ये नोटपैड हो गया, ये जो तीन पॉइंट है इसमें हम पॉइंटेड वगैरह लगाना चाहो, कोई किसी भी टाइप के बुलेट्स लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। ये देखो, आप इस तरीके से बुलेट लगाना चाहो लगा सकते हो एडवांस में। तो मैंने एरो लगा दिए, इसी तरीके से कोई भी बुलेट लगा सकते हो आप, जिससे क्या है यहाँ पर अपने पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगला टूल्स जो आता है हमारा आता है नंबरिंग। जैसे हमने यहाँ पर बुलेट का इस्तेमाल किया लिस्ट बनाने के लिए, तो जैसे ही हमने यहाँ पर नंबरिंग और यहाँ पर ए बी सी डी वगैरह या फिर रोमन गिनती कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और तीसरा हमारा आता है यहाँ मल्टीपल लिस्ट। तो मल्टीपल लिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आना। जैसे कि मैं मान लो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट, तो ये जो तीन पॉइंट आपको देख रहे हैं कंट्रोल जेड किया, जिससे कोई भी गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो जाओ तो कंट्रोल जेड करके बैक ला सकते हो आप, ठीक है? तो बैक ला सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं सीधा। तो ये मैंने मल्टीपल लिस्ट सिलेक्ट करा, जैसे कि देखो सिलेक्ट करो यहाँ पर, और यहाँ जाके मल्टीपल लिस्ट टूल्स ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चेंजिंग नहीं हुई। जब चेंजिंग नहीं हुई तो पता नहीं चल रहा कि ये यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एमएस वर्ड पर जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा इस पैराग्राफ को आगे ले जाएंगे। तो ये हमारे दो काम करता है टूल्स, इंक्रीज इंटेंट एंड डिक्रीज इंटेंट। तो इंक्रीज से हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे एक स्टेप, जैसे ही हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे वो हमारा मल्टीपल लिस्ट के हमारे जो कंडीशन हमने लगाई है वो हमारी वर्किंग कर रही है अच्छे से। तो देख सकते हो आप, जैसे कि मैं ये दो लगाना चाहूँ तो उसको भी आगे मैंने किया, और ये आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है मल्टीपल लिस्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिस्ट तरीका दे रखा है वही तरीका हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम कर लेंगे नॉर्मल क्लियर फॉर्मेटिंग करके, और यहाँ पर बुलेट हम इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि मैं ये वाले से बुलेट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। आगे हेडिंग, अगले टूल्स में आता है हेडिंग। तो ये जो हेडिंग है, चलो साथ में आपको पैराग्राफ कमांड के साथ स्टाइल वाला भी कम करेंगे साथ साथ। तो जो हेडिंग है इसको मेरे को टाइटल में दिखानी है, तो टाइटल में दिखाने वाले फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करिए। जैसे टाइटल सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से हमारा डेकोरेट कर दिया टाइटल हमारा, और ये हेडिंग है। तो इसको मेरे को हेडिंग के तरीके से दिखाना है तो हेडिंग के तरीके से दिखा सकता हूँ। तो मैं इस पर डॉट पर क्लिक करूँगा और जो भी इसमें हेडिंग है उस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हेडिंग वन पर क्लिक करा तो ये देखो आपने हेडिंग भी डेकोरेट कर दी। इसी के तरीके से जो हमारे पॉइंट्स है और आगे के कोर्स के पॉइंट है वो भी हम देखेंगे करके। तो इसमें भी हम प्लट लगा सकते हैं, वो कैसे है? अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में कराने वाला हूँ उस पर करा रहा हूँ। तो इसके अंदर ये मैं चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करूँगा तीनों टॉपिक, और इससे आगे भी पढ़ने को मिलेगा। बुलेट लगा लेते हैं, ये टॉपिक रहेंगे। तो इस तरीके से हम देखो टेबल्स को हम अपने कोर्सेज को अच्छे से डेकोरेट कर सकते। तो आई होप आप लोगों को ये टूल्स यहाँ तक के क्लियर हुए हो। अगला आता है हमारा शॉर्ट टेक्स्ट। इसमें कैसे काम कर सकते हैं, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग तरीके से काम कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कुछ नंबर्स मैंने टाइप कर दिए, कुछ नंबर्स जो टाइप करें वो असेंडिंग है, मतलब गलत लिस्ट में लगे हैं, मतलब वन कहाँ है, टू कहाँ है, थ्री कहाँ है, फोर कहाँ है, मेरे को ये असेंडिंग में लगाना है। तो मुझे कट करके पढ़ के लगाना पड़ेगा तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगेगा। तो हम टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे टूल्स का, उस पर क्लिक करेंगे
और पैराग्राफ नंबर एक असेंडिंग। जैसे असेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो असेंडिंग लिस्ट में लग चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लग चुके हैं। तो ऐसे ही हम असेंडिंग कर ले और डिसेंडिंग भी इसी तरीके से हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग देख रहे हो 9, 8, 6, 7, 5 मतलब जो भी हम अपोजिट कर सकते हैं डायरेक्शन बदल सकते। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, और अगला आता है शो फॉर्मा, शो एंड हाइड। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर स्पेस दबाते हैं या कोई एंटर दबाते हैं या टैब दबाते हैं तो दिखते हैं नहीं दिखते ये, तो इनको देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे, वो शो फार्मूले से देख सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि हम शो फार्मूले पे क्लिक कर देंगे ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो उसके साथ हम कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हम अपने पेज पे स्पेस दबाएंगे तो देखो डॉट आ रहा है, क्योंकि शो फार्मूला शो फंक्शन पे हाइड शो के टूल्स पे मैंने क्लिक करा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये डॉट आ रहे हैं, एंटर करूँगा तो सिंपल आ रहे हैं, टैब दबाऊँगा तो एरो आ रहे हैं। तो इसी तरीके से पहचान सकते हो हमने अपने पैराग्राफ के अंदर कितने हमने टैब इस्तेमाल करे, कितने हमने एंटर इस्तेमाल करे और कितने हमने स्पेस इस्तेमाल करे, तो ये सब पता चल जाएंगे हमें। और वापस इसी पे क्लिक कर देंगे तो इन पर शो और हाइड का हट जाएंगे। तो आई होप तुम्हें ये वाला टूल्स भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला टूल्स करते हैं। अगला टूल्स है हमारे लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, चारों के नाम ये हैं। अब इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा को मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पर और इस पैराग्राफ को मैंने सेंटर ले जा सकता हूँ, राइट में ले जा सकता हूँ, लेफ्ट में ले जा सकता हूँ, और दोनों तरफ से इक्वल करने के लिए उसकी देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले आता हूँ, इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। एक मैंने तरीका बताया था ये कोड से हो जाता है, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ थोड़ा सही देखेगा। सेलेक्ट करा, आप लोग देख सकते हो साइड में ओपन आगे पीछे लाइन से, तो ये आगे पीछे ना हो, इक्वल हो, इक्वल हो। तो वो कैसे करेंगे कुल करने के लिए, तो हम यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इक्वल है ये पूरा। तो इस तरीके से कर सकते, ठीक है, आपको ये समझ में आ गए हो जस्टिफाई का भी। अगले टूल्स करते हैं हम। अगला टूल्स आता है इसमें लाइन स्पेस, तो वो देख सकते हो यहाँ पर जाएंगे हम, तो यहाँ लिखा भी है लाइन स्पेस। अगला जो टूल्स है लाइन स्पेस है, उस लाइनों में स्पेस ला सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट करा तो इन लाइनों में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस आ गया, अपने काम के हिसाब से इस स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टूल्स जो आता है हमारा वो आता है कलर। तो ये जो पहले मैंने दो कलर बताए थे ऑलरेडी आपको, पहला बताया था टेक्स्ट कलर, दूसरा बताया था मैंने टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस टूल्स को हम देखेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ में कलर कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पर देखो कोई भी कलर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पैराग्राफ कलर करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पैराग्राफ कलर कर रहा है, तो आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को ये वाले भी टूल्स क्लियर हो। अगला टूल्स हम देखने वाले हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर को देखने वाले हैं। तो इसमें हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो एक सिंपल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सिंपल बॉर्डर लगा सकते हैं, आउटलाइन बॉर्डर लगाना है। अगर 1x1 में बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ पर जाके 1x1 में बॉर्डर लगा सकता हूँ। तो ऐसी इसी टाइप के तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो। आगे के टूल्स देखते हैं। स्टाइल का तो मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पर कि यहाँ पर स्टाइलिश कर सकते हो अपने पैरे कंटेंट में जो भी आपने टाइप किया है। अगला ग्रुप देखते हैं, अगला ग्रुप है फाइंड। फाइंड है तो फाइंड जो है वो क्या काम करता है, तो उस पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है कि ए ढूंढना है, तो ए कितने बार लिखा है तो वो बता रहा है, ए बी लिख दिया मैंने, ए बी कितने बार लिखा है वो बता रहा है, तो ये हाईलाइट ढूंढ के देगा कोई भी वर्ड को। और ऐसे ही हमारा रिप्लेस है, रिप्लेस ए बी की जगह कोई और स्पेलिंग रखना चाहो तो जैसे मैंने लिख दिया डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो एक क्यू डब्ल्यू टाइप हो चुका होगा। ये देखो यहाँ पर टाइप हो गया, और ऐसे ही हमने क्यू डब्ल्यू पे क्लिक कर टाइप करके ए बी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा सही रहे हमारा डॉक्यूमेंट। आई होप तुम्हें ये वाले सारे टूल्स क्लियर हो गए होंगे। होम के मैंने 3-4 वीडियो में क्लियर कर दिए सारे टूल्स ऑलमोस्ट। को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इंसर्ट के बारे में, तो इंसर्ट के भी इसी तरीके से हम एक एक करके ग्रुप लेके आएंगे और जिससे क्या आप लोगों को बेस्ट बेस्ट सीखने को मिले हमारी वीडियो के जरिए से। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।